बच्चे हमारे मुस्तकबिल की अकासी करते हैं। जब डाटा कलेक्ट किया, जब पता चला कि कितने स्कूल्स बंद हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो कि सालों से नहीं आते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी और तवज्जो नहीं दी गई थी, ना बजट होता था, तो ये सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल्स थे जो बंद थे। अगर एक स्कूल नॉन फंक्शनल है तो नेशनली आप जानते हैं कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रहते हैं, और जब बच्चे इस दौर में भी अगर एक बच्चा जो है वो तालीम से महरूम हो तो ये तो जुर्म है। 2014 के IMU डेटा के मुताबिक इन स्कूल्स में कई ऐसे भी शामिल थे जो 20 साल से ज्यादा अरसे तक बंद थे, लेकिन अब इस तारीकी को रोशनी में तब्दील किया जा रहा है। असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाने से लेकर एक महफूज और मुस्बत तालीमी माहौल फराहम करने तक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बंद स्कूल्स की बहाली अनकरीब है। अल्लाह ताला की फजल करम से दोबारा कंस्ट्रक्शन हुई है, उस्तानियां आई हैं और काम शुरू है। हमारे स्कूल में जो पहले क्लासेस बहुत कम थी, अब जो है नई क्लासेस बन रही है। हमारे लिए एक टैंक भी लगवा है। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब, साइंस रूम की फैसिलिटी आई, टेबल्स भी नई आई हैं। पहले बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे ना, अब चेयर्स पे बैठ के। हर फर्द को उसूल इल्म से मजबूत करना हमारा फर्ज है। हम सब मिलकर तालीम के जरिए ही मुआशरे को तब्दील कर सकते हैं। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टरा, पायलट, फौज, चाचा, वजीर आजम। मेरे ख्याल में एजुकेशन से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट और कोई नहीं है।